आज विश्व एड्स दिवस है। वर्ष 1988 के बाद 1 दिसंबर को हर साल एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य एचआईवी संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इस बीमारी से जिसकी मौत हो गई है उन्हें श्रद्धांजलि देना है। इस अवसर पर राजधानी शिमला के रिज मैदान में नर्सिंग प्रशिक्षुओं ने एक नुक्कड़ नाटक और रैली के माध्यम से लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया। जी, मेरा नाम दीक्षा है और मैं अकाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग बड़ू साहिब सेकेंड ईयर की एक छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 1 दिसंबर है, इसे हम विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 1988 के बाद हमने ये मनाना शुरू किया था 1 दिसंबर से, इसलिए हम हर साल इसको 1 दिसंबर को ही मनाते हैं। तो हमारा जो मेन मोटिव है इस प्रोग्राम का, इस अवेयरनेस प्रोग्राम का, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें एड्स के बारे में जानकारी नहीं है, बस उन्होंने सुना है कि एड्स, बट लोगों को पता है नहीं कि एड्स होता क्या है। हमारा मेन मोटिव यही है कि हम लोगों को जागरूक करें, उन्हें एड्स के बारे में बताएं होता कैसा है ये, और इसके बारे में कुछ लोगों को नहीं पता ये रोग होता क्या है, बट इसके बारे में धारणा है कि ये छुआछूत है, छूने से या फिर ऐसे होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एड्स कभी भी छूने से, साथ खाने पीने से नहीं होता है। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो एक से दूसरे इंसान को होती है, बट ये बीमारी हमारे शरीर के तरल पदार्थ जैसे कि आंसू, माँ का दूध, यौन रस, खून, इसके कांटेक्ट में आने से होती है। ये कभी भी छूने या साथ खाने पीने से नहीं होती। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि हम लोगों को जागरूक करें एड्स दिवस पे कि एड्स है क्या, ये किससे फैलती है, एचआईवी नामक वायरस है जो एड्स कॉज करता है। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि लोग एड्स के बारे में जाने, सतर्क रहे, और जैसा कि यहाँ पे इसके लक्षण के बारे में भी बताया गया है कि तो लोग जाने कि इसके लक्षण क्या है, और अगर किसी में, लोगों में इसके लक्षण हैं तो वो जाके अस्पताल जाएं और अपना चेकअप करवाएं। क्योंकि भारत में 90% से ज्यादा लोग 90% से ज्यादा लोग एड्स के मरीज हैं, लेकिन वो खुद ये तक नहीं जानते कि वो एड्स से पीड़ित है। कुछ लोगों को एड्स के मरीज हैं वो, लेकिन बट उन्हें पता नहीं है कि वो एड्स से पीड़ित है। इसलिए हम अपने इस लक्षणों के और अपने इस अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा यही बताना चाहते हैं कि अगर उनमें ऐसे कुछ लक्षण पाए जा रहे हैं तो वो हॉस्पिटल जाएं और अपना चेकअप करवाएं। इस बार जो 2022 का थीम है वो है इक्वलाइज, यानी समानता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भेदभाव होता है कि छूना नहीं है, तो हम एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के साथ समानता से बिहेव करें उनके साथ, मतलब सम्मान, मतलब इक्वलाइज ही इस साल की थीम है कि उनके साथ उन्हें भी सम्मान दिया जाए, उनके साथ समानता से पेश आया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।